हमारा जो है ओवर फीडिंग का फाइन लग गया। अलग ही लेवल का कंफर्ट है इस वाले बस में। मोहम्मद जी कत लगे 0 to 160? 1 minute 0 to 160। देवी और सज्जन नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवरिंग बांग्लादेश सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। इस वाले व्लॉग में मैं एक ऐसी जर्नी दिखाऊंगा जिसके लिए मुझे लास्ट टाइम बहुत लोगों ने बोला था। लोगों ने बोला था कि सौमित भाई आप जो है कुआकाटा जाओ, आप पटुआखाली जाओ, आप बोरीशाल जाओ, तो तीनों जो है साथ साथ में हो जाएगा आज। और वो भी जाओ किस में, वो जाओ शैमोली NR के Hyundai के बिजनेस क्लास में। एक तो देखिए बिजनेस क्लास, ऊपर से बस जो भागती है ना, आप आज देख के समझ जाओगे। एनीवेज सुबह के 8 बज रहे हैं, फिलहाल मैं हूँ राजधानी ढाका में एंड जा रहा हूँ बस आरामबाग। आरामबाग मेरे होटल के नज़दीक ही था, वहीं से अपनी बस चलेगी सुबह के 8:30 बजे। एंड आज की जर्नी काफ़ी अमेजिंग इसलिए भी है क्योंकि आज हम एक बहुत ही अच्छे रूट को फॉलो करेंगे, मतलब ज़बरदस्त रूट होने वाला है। फिलहाल जो है मैं आ चुका हूँ शैमोली NR ट्रैवल्स के ऑफिस में। हालांकि मेरे होटल से यहाँ तक वॉकिंग डिस्टेंस ही था, मुझे लगा था कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा वीडियो शूट करने में और पसीना पसीना भी हो जाता है थोड़ा चलने में। तो सुबह के 8 बज रहे हैं, 8:30 बजे बस आएगी इन्होंने बोला। एंड जो रूट है अपना आज का बोरीशाल तक, रूट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब ऐसा हाईवे कि आप देखते रह जाओगे। और साथ ही साथ आज पौधा सेतु भी क्रॉस करेंगे एक बार, जो कि मैं कह सकता हूँ सेंसेशन है बांग्लादेश का। एनीवेज बता दूं कि बांग्लादेश में जो ट्रैवल कल्चर है वो मोर टूवर्ड्स द बसेज है। यहाँ पे मतलब बहुत सालों से बिजनेस क्लास बसेज वगैरह चल रहा है, 2x1 बसेज चल रहा है। हमारे इंडिया में सच बताऊँ तो सीटर में 2x1 काफ़ी कम चलता है, लोग जो है 2x2 में ही जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे फेयर भी बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से, 2x1 के हिसाब से। जैसे 300 किलोमीटर के लिए करीबन 1400-1500 रुपये जो लग जाते हैं, जो कि हमारे वहाँ पे हार्डली 700-800 का उसके ऊपर नहीं होगा। एंड हाँ, आज मैंने पे किया है 1400 बांग्लादेशी टाका, जो कि इंडियन आप मान लीजिए 1200 रुपये के आसपास है। एंड कुआकाटा क्या है, कुआकाटा बेसिकली एक बीच है एंड उसका जियोग्राफिकल लोकेशन जो है मैं आपको मैप पे दिखा दूंगा। तो सी बीच वी बीच घूमेंगे थोड़ा जाके। नेक्स्ट वाले व्लॉग में जो है पूरा कुआकाटा का टूर रहेगा, कुछ लोकल फूड ट्राई करेंगे, सी बीच के आसपास घूमेंगे, मैं आपको अपना होटल दिखाऊंगा। क्योंकि श्रीलंका सीरीज़ में लोग कमेंट करें कि अपना होटल वोटल ये सब तो कुछ दिखाई नहीं रहे हो, तो आज मैं रुका था होटल स्टार इंटरनेशनल में, ये रूम है। हालांकि थोड़े मच्छर वच्छर थे मगर ठीक है, एट अ गुड प्राइस उन्होंने दिया मुझे रूम, 1200 बांग्लादेशी टाका। AC रूम है एंड रूम इतना छोटा है कि वॉशरूम में बेसिन तक नहीं है, रात रात की बात थी बस। अच्छा, ये जो है ये आरामबाग का एरिया है, यहाँ पे सब टूर ऑपरेटर्स के जो है काउंटर्स बने हुए हैं। कहीं आप शैमोली परिवहन बोल लीजिए, कहीं आप हानिफ बोल लीजिए, कहीं आप ईगल बोल लीजिए, देश बोल लीजिए, या मतलब जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं सबके काउंटर है। और आज हम जिस बस में ट्रैवल करने वाले हैं उसका टॉप स्पीड 160 किलोमीटर्स है। कितना चलाएंगे वो डिपेंड करता है कि रोड पर ट्रैफिक कैसा है, ड्राइवर कैसा है, फिर स्पीड कैमरे वगैरह है कि नहीं, उसी पर निर्भर करता है। बट मुझे उम्मीद है इट विल बी अ वेरी थ्रिलिंग राइड। वो सुबह सुबह ही क्या जो चाय से चालू ना हो। अच्छा, इनके जो बस ट्रैवल की एक कल्चर है वो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, वो है लाउंज की। मतलब बस डिपार्ट करने से पहले जो है आप AC में अपना सामान वामान रख के आराम कर सकते हो, एंड साथ ही साथ जो है वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ भी है। ये चीज़ हमारे इंडिया में तो चलो लास्ट 2-3 सालों में स्टार्ट हुआ है, जिंक बस इंटरसिटी इन्होंने स्टार्ट किया है। अभी प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है वो भी अपना लाउंज वाउंज बना रहे हैं, बट यहाँ पे ना वो बहुत सालों से चल रहा है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद है, आगे अगर बस ट्रैवल को आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली ये चीज़ें चाहिए होगा, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा रोड पे खड़े रहना। अरे की कुआकाटा मान लग रहा है। सुबह के 8:30 बज रहे, हमारी जो बस है वो आ चुकी है, शैमोली NR ट्रैवल्स लिखा हुआ है एंड काफ़ी रेपूटेड ऑपरेटर है, बड़ी ऑपरेटर है। बस है अपना Hyundai यूनिवर्स। हाँ हाँ, ड्राइवर साहब हसन, सलाम अलैकुम मामा। तो बस जो है अभी थोड़ी सी फुल होके आई है, कभी फिर रेस्ट स्टॉप पे जब रुकेगा तब मैं इंटीरियर्स थोड़ा अच्छे से दिखा दूंगा, बट वही समझ जाइए मोर ओवर 2x1 का सेटिंग है, सेमी स्लीपर सीट्स हैं। सीट देखिए कितनी वाइड है। और Hyundai की जो सबसे बढ़िया बात मेरे को लगती है ना स्पीड के अलावा, वो है फ्रिज। इसके अंदर जो आपको एक फ्रिज मिल जाता है,
एंड कर्टन्स भी देख लीजिए, काफ़ी मतलब अच्छे वाले लगाए हैं। और अगर बात करें लेग स्ट्रेस की तो देखिए पैर मैंने पूरे फैला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है पिकअप चल रहा है। और एक चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे कम है, वो है लाइफ ट्रैकिंग। हमारे इंडिया में आप बोलिए मतलब 80-90% लग्जरी बसेज में अभी लाइफ ट्रैकिंग है। आपको अगर आप ऑफलाइन बुक करते हैं, ऑनलाइन बुक करते हैं, मैसेज में आपको लिंक आ जाएगा कि बस को ट्रैक कैसे करना है। वो चीज़ ना यहाँ पे किसी भी बस में नहीं है। आप जो है इस बस की सीट्स देखिए, बस खास करके ये जो कुशन है ना, ये वाला जो कुशन है ना, इससे सीट्स काफ़ी और कंफर्टेबल हो जाती है। एंड लास्ट रो में जो है टोटल 4 सीट्स है, बाकी बस तो कुछ इस तरह से 2x1। एंड ओवरहेड बेंच इसमें दिए हुए हैं। जनरली हमारा सिर्फ ये रैक रहता है वॉल्वो या स्कैनिया में, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी कभार ना खास करके पहाड़ी रास्तों में सामान ऊपर से नीचे गिर जाता है, तो वॉल्वो अपने फ्यूचर मॉडल्स में ये वाला डिज़ाइन तो कर ही सकती है। और यहाँ पे बात करें कैबिन की, तो कैबिन में देखिए सबसे पहले यहाँ पे माइक है जिसमें अटेंडर अनाउंस करते हैं कि भाई रेस्ट स्टॉप आ गया है, इतना टाइम रुकेगा। यहाँ पे रीडिंग लैंप के स्विचेस वगैरह है, यहाँ पे पूरा एसी का सिस्टम है। बाकी तो आपको दिख रहा होगा कोरियन ब्रांड हुंडई की बस में ट्रैवल कर रहे हैं अपन। टिशू विशू सब कुछ जो है यहाँ पे रखते हैं। और बांग्लादेश में अगर बसों में ट्रैवल कर रहे हो ना, मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको आने वाली है। बाकी दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्पीड किंग। स्पीडोमीटर पे जो 160 तक है, कभी कभार वो पूरा भी चला जाता है 160 तक। तो ये है ड्राइवर केबिन, वो रहा एक्चुअली एसी का कंट्रोल। बाकी यहाँ पे टीवी है एंड यहाँ पे एक छोटा सा क्लाउड भी हुआ है। सुबह के 9:15 रहे, हम निकल गए हैं फ्रॉम आरमबाग पाटुआखाली होके। अपन कुछ 300 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे। अब मावा भांगा बोरिशाल और पाटुआखाली होके करीबन 300 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करेंगे। अभी निकले, आई थिंक दोपहर को 2:30 या 3 बजे तक हमें कुआकाटा पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे पहुँच गए हैं सायदाबाद, मतलब आधे घंटे में जो है अपन 1 किलोमीटर आए। ढाका के ट्रैफिक ने सुबह सुबह ये रंग दिखा दिया। एंड इस जगह पे जो है शामली के ही सिर्फ 4 काउंटर है, तो समझ जाए कि कितना बड़ा ऑपरेटर है। गए हैं N8 हाईवे पे। दिस इज ऑल्सो नोन एज शेख मुजीबुर रहमान मोहसडो। एंड शेख मुजीबुर रहमान इज अ फादर ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पे हम पहुंच गए हैं पोता सेतु टोल पे। आगे जो है हम एक ब्रिज क्रॉस करने वाला है, जिसको कि बांग्लादेश में सपनों का ब्रिज भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है वो मैं ब्रिज क्रॉस करके बताता हूँ। यहाँ पे लगभग हमने 5-6 किलोमीटर लंबी रेल कम रोड ब्रिज क्रॉस करी। ऊपर जो है रोड है, नीचे जो है रेल है, ट्रेन चालू नहीं हो अभी। एंड ये है रिवर पौधा के ऊपर, बंगाली में बोलते हैं पौधा रिलीज, मतलब एक टाइप का फिश है वो, काफ़ी फेमस है।
कॉस्टली भी है। सेकेंड थिंग इज़ कि इसको सपनों का ब्रिज क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि पहले इस रिवर को क्रॉस जो भी बस वगैरह करता था वो फेरी में ही करता था, ब्रिज नहीं था। तो फेरी में करने में जो है घंटों घंटों लग जाता था, तब ढाका से बोरीशाल जो कि लगभग 100 किलोमीटर्स है उसको ट्रैवल करने के लिए 8-9 घंटे लगता था, जो कि अभी फ़िलहाल इस ब्रिज के बनने के बाद सिर्फ 3-3.5 घंटे लगते हैं। रिकॉर्ड भी है 2 घंटे 40 मिनट का। तो डेफिनेटली जब 9 घंटे से ट्रैवल टाइम 3 घंटे हुआ है तो डेफिनेटली ये बोलेंगे कि ये एक सपनों का ब्रिज है। इस ब्रिज के बनने के बाद जो है ट्रैवल बहुत आसान हो गया है। ट्रेन चालू हो जाने के बाद तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। सुबह के 10:30 हो रहे, पहुंच गए हैं भांगा। जो बढ़िया वाला हाईवे था ना N8 वो हमने छोड़ दिया, अब हम बोरीशाल की ओर मुड़ गए लेफ्ट की ओर। सीधा जो है हाईवे फरीदपुर चला जाता है और हाईवे बड़ी एंड हाईवे जो इतना अच्छा है कि बस 80-100 पे चल रही है फिर भी पता ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि 60 पे चल रही है। और बाकी हर जगह जो स्पीड कैमरे जिसकी वजह से ड्राइवर चला नहीं रहे, डरे हुए थोड़े से, वरना जो है ये गाड़ी 150 के नीचे बात नहीं करती। यहाँ पे जो है ओवर स्पीडिंग का फाइन हो गया। इस रोड पे इतना अच्छा रोड है, बोल रहे हैं कि 40 का जो स्पीड लिमिट है, अब 40 पे अगर बस चलती रही तो कौन ही बस लेगा, फिर सब लोग जो है गाड़ी लेंगे एंड जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। 40 पे तो मतलब कौन ही चलेगा, आपको पता है रोड देख के पता चल रहा था। जो भी है ये सब तो चलो कमाने के ज़रिए, ये साफ सी बात है। हमारा जो है ओवर स्पीडिंग का फाइन लग गया। अब जो भी है वो हाईवे पे 80 का लिमिट है, इस पर कहीं 40 का कहीं 60 का, ड्राइवर जो है 60 पे चला हुआ था, मैं तो उसी में फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसी में जो है चलान निकल गया। पर वो भी क्या करे यार, उसको भी टाइम मेंटेन करना है, पुलिस है करप्ट। ये आगे हैं अपने रेस्ट स्टॉप पे। एनीवेज बुरा लगा आज बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी अच्छी बस है, ड्राइवर साहब भी दुखी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि मेरी जो गाड़ी है ना वो 60 सेकेंड में 160 जाती है। सोचिए 0 to 160 in 60 seconds, उस गाड़ी को ऐसे चलाना पड़ रहा है। ड्राइवर साहब भी बोल रहे हैं कि मेरी 12,700 cc की गाड़ी है, हम ऐसे इतने स्लो कभी नहीं चलते, आज स्लो चल रहे थे फिर भी जो है चलान हो गया। हर जगह तो 4-lane रोड्स है नहीं, यहाँ पे उतना ट्रैफिक भी नहीं है, मगर जो भी लेन है उस पर तो एटलीस्ट 80 का लिमिट रखो। वेस्ट है जो मामा है वो बोल रहे थे अभी तक हम बोरीशाल में होते, जो कि अभी भी 100 किलोमीटर दूर है। एनीवेज थोड़ी सी भूख लग रही है, कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं। कहते ना कि जब दिन ख़राब चल रहा हो तो दिन एक साथ ही ख़राब चलता है। यहाँ पे मैं रेस्ट स्टॉप पे आया, अभी वैसे टाइम हो रहा है जस्ट 12:45, तो अभी लंच के लिए प्रॉपर टाइम नहीं है, तो अभी इनके पास कुछ भी रेडी नहीं है। इनके पास सिर्फ फ़िश रेडी है अभी जो मैं खाता नहीं, और साथ में वेजिटेबल्स वगैरह भी वही है जो मैं नहीं खाता। चिकन भी बोल रहे हैं कि भाई बन ही रहा है, तो खाने को कुछ है नहीं। मैंने लास्ट में ऑप्शन है पराठा, वो मंगवा लिया, अब देखते कितना टाइम लगता है। क्योंकि बस में भी मतलब पैसेंजर्स इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, इतना स्लो चल रहा है आज गाड़ी की, वो बोल रहे हैं कि 20 मिनट का ब्रेक मत दो, 10 मिनट का ब्रेक दो। इतना अच्छा हाईवे बनाया, मुझे समझ में नहीं आता, इतनी अच्छी बस है, 100-120 पे नहीं चलेगी तो भाई क्या ही फ़ायदा है। जो भी है खाने में मैंने मंगवा लिया है मूँग की दाल और साथ में पराठे, ये भी बहुत अच्छा है, देखते कितना टाइम लगता है। यहाँ पे ऑल ओवर कोई भी रेस्ट स्टॉप हो प्राइस की मेरे को चिंता नहीं रहती, क्योंकि मेरे को पता है कि कम ही लेंगे जितना भी लेंगे। साथ ही साथ एक माउंटेन ड्यू भी बोल देता हूँ, अच्छा ड्यू दिया था ना छोटे, तो कुछ इस तरह का जो है पराठा दिया हुआ है एंड साथ में जो है ये मूंग की दाल, ठीक ठाक है। एक्चुअली दाल जो है मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल गई है। जब दिन ख़राब चलता है ना तो पूरा दिन ही ख़राब चलता है। एनीवेज क्योंकि व्लॉग में दुखी दिखना अच्छा नहीं लगता, सो आई विल ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जो भी हो खाना पीना कंप्लीट करता हूँ फिर कंटिन्यू करते जाने। वैसे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी आ गई, शामोली की हिनो आ गई, एनआर की अपनी हुंडई तो है ही, और साथ में जो है हाँ बस भगत
फिलहाल बज रहे हैं दोपहर के 12 और वही भाई 40 की स्पीड लिमिट पकड़ के निकल पड़ते बाकी के सफर में। दोपहर के 1 बज रहे हैं, हम पहुंच गए हैं बोरीशाल। मैं कह सकता हूं कि लगभग हमें 3.5 घंटे लगे फ्रॉम सैदाबाद एंड 3.5 घंटे में हमने कवर की 170 किलोमीटर। तो मैं बोलूँगा कि अच्छा ही आए हैं, मतलब आप मान लीजिए कि एवरेज स्पीड 60 के ऊपर ही है एंड हर 1 किलोमीटर में अगर स्पीड कैमरा लेके खड़े हैं तो ड्राइवर भी बेचारा क्या ही करेगा। एनीवेज बोरीशाल के आसपास जो है मतलब बहुत सारे वाटर बॉडीज है जिसकी वजह से इसको बांग्लादेश का वेनिस भी बोला जाता है। एंड बोरीशाल की एक मिठाई है जो कि काफ़ी फेमस है, दैट इज़ सम शीर गोजा। आई थिंक ये बंगाली मिठाई पीठे जैसा है। बाय द वे यहाँ पे ना यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत है, जैसे आपका बोरीशाल यूनिवर्सिटी, फिर शेरी बांग्ला मेडिकल कॉलेज एंड बहुत सारे देखे मैंने जस्ट। बाकी उम्मीद करते हैं बाकी का सफर जो है अच्छा हो। जस्ट क्रॉस किया है पायरा ब्रिज, ऑल्सो कह सकते हैं लेबुखाली ब्रिज। नीचे जो था आपका बिघाई रिवर था एंड बांग्लादेश में कोई भी ब्रिज क्रॉस करेंगे भले ही वो 100-200 मीटर का क्यों ना हो, सामने जो है आपको टोल देना पड़ेगा। ये चीज़ समझ नहीं आती, पोद्दा सेतु का, बीबी सेतु का, इनका टोल समझ आता है लेकिन ये छोटे मोटे ब्रिजेस के टोल क्यों? आई थिंक यहाँ पर रोड टैक्स नहीं लगता होगा, किसी को अगर पता है तो बताना ज़रूर। दोपहर के जो है 2 बज रहे हैं, पहुंच गए हैं पटुआखाली एंड यहाँ से लगभग कुआकाटाप 70 किलोमीटर दूर है, तो आई थिंक 1 या 1.25 घंटा दूर है। कंफर्ट की बात करें ना तो देखिए सीट कितना ज़्यादा खुशगाक हो जाता है, मतलब पूरा जो है आपका एक बेड ही बन जाता है क्योंकि इसका जो रिक्लाइनेशन है ना वो यूजुअली जो वॉल्वो स्कैनिया में सीट्स होते हैं हरिटा के उससे काफ़ी ज़्यादा है। सीट्स जो है वाइड भी है काफ़ी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ओवरनाइट जर्नी भी कर रहे हैं तो। मतलब भाई साहब कंफर्ट तो अलग लेवल का है इस गाड़ी में। क्या आपको लगता है हुंडई अगर इंडिया में आई तो वॉल्वो को टक्कर दे पाएगी? बीट करना तो मुश्किल है मगर टक्कर दे पाएगी ना तो कमेंट में बताइए। अलग ही लेवल का कंफर्ट है इस वाले बस में। पहले जस्ट क्रॉस किया है कोलापड़ा एंड यहाँ पे एक नया
एंड यहाँ पे एक नया पोर्ट बन रहा है, पायरा पोर्ट। आई होप कि इसके बनने के बाद जो इस वाले रीजन में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है ना, वो होना थोड़ा आसान हो जाएगा। आई गेस 200 करोड़ बांग्लादेशी टाका की लागत में बना है, एंड बस कुआकाटा अब ज़्यादा दूर नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट अपन टाइम पे आ गए हैं। पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ह्यूंडई के लिए ना दिल में इज्जत बहुत बढ़ गई, काफ़ी बढ़िया चलती है बस, ब्रेकिंग वगैरह बहुत अच्छा है, पिकअप वगैरह मैंने देखा काफ़ी बढ़िया है, मतलब बराबर वॉल्वो को टक्कर दे ही देगी। अभी हमने जस्ट क्रॉस किया है शेख जमाल ब्रिज, बहुत ही छोटा सा ब्रिज है, हार्डली 10 से 15 सेकंड लगा होगा ब्रिज को क्रॉस करने में, मगर उस छोटे से ब्रिज के लिए भी जो है हमें टोल भरना है यहाँ पे, हालांकि वो अमाउंट कम है मगर फिर भी भरना है। इस ब्रिज का भी जो भाई स्टॉप टोल लग रहा है, अजीब ही है। बस दोपहर के 3:10 हो रहे हैं, हम पहुंच गए हैं कुआकाटा, और 8:30 जो है सैदाबाद से टाइम था, जो कि हम 9:30 निकले ड्यू टू ट्रैफिक, और 2:30 का टाइम यहाँ पे था, तो 3:10 पे आ गए, मतलब जो ट्रैवल टाइम है वो हमारा 20 मिनट कम ही लगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना स्पीड कैमरा, मतलब एटलीस्ट 15 से 20 स्पीड कैमरे देखे मैंने आज। बटाई लास्ट मामा মা বলছে কতক্ষণ লাগে 0 to 160? 1 মিনিট। 1 মিনিট 0 to 160। আর ভালো গাড়ি তো এটা, হুন্ডাই স্ক্যানিয়া টাইনে চালিয়েছেন? স্ক্যানিয়া চালিয়েছি। তো কি লাগে ভালো এটা, হুন্ডাইটা ভালো ভালো লাগে? হুন্ডাইটা ভালো লাগে। আচ্ছা, অটো গাড়ি স্ক্যানিয়া। ওকে ওকে ওকে, ভলভোটা স্ক্যানিয়া, ওটা আমি দুইটাই চালিয়েছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ মামা। बस अभी ये बैटरी वाली रिक्शा लेके जा रहा हूँ बीच के पास, पूरा टूर रहेगा ना बीच का, कुछ खाने का या होटल का, वो सब आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलेगा। इसमें जस्ट 2-4 शॉट्स दिखा के मैं उस ब्लॉग को एड कर दूंगा, बट ह्यूंडई इज रियली रियली अमेजिंग, कोई शक नहीं। भाई साहब यहाँ पे बीच के पास आ गए, और तगड़ी वाली मच्छी की अजीब सा स्मेल है फिश का। एनीवेज ये रहा बीच, हालांकि मेरे को माहूर मामा बता रहे थे कि ये तो नाला जैसा होता है, मगर मुझे तो लग रहा है कि ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। एनीवेज वेलकम टू कुआकाटा, जो वो है ना जेट्स की, वो मैं करने वाला हूँ अगर प्राइस ठीक बोले तो। थोड़ा सा दूर से आपको जो है घुमा के लाऊँगा एकदम आराम से, एंड वहाँ पर बोट राइड भी हो रही है, वो सब भी ट्राई करेंगे। पूरे एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए ओवरऑल मिक्सड एक्सपीरियंस है, हालांकि लास्ट में ड्राइवर ने अच्छा खासा खींचा, 100, 110, कभी कभार 115, पर एक अलग ही हवा आ रही है यहाँ पे बीच में। वेलकम टू कुआकाटा, जो निर्धारित समय है ना, अच्छा जो मैं सोच के आया था कि भाई 150 पे राइड होगी, अब देखो स्पीड गन लेके अगर हर जगह खड़े रहेंगे तो ड्राइवर भी क्या करेगा और फैमिली भी क्या करेगा, जो भी है। बट फिर मैं एक ट्राई बोरीशाल का लेना चाहूँगा नाइट जर्नी, ताकि नाइट जर्नी में बोल रहे कि स्पीड गन जो है काम नहीं करती रात को, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर 140-150 की स्पीड में एक जर्नी हो जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा तो 120 होगा, उससे ऊपर जो है इंडिया में पॉसिबल नहीं है। हालांकि रोड्स बहुत अच्छे, लेकिन ऐसी कोई बस नहीं है, वॉल्वो तो 80 के ऊपर परमिट नहीं करता, कहीं कहीं 100-105 चला देते, वो अलग बात है। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, अगला वाला व्लॉग काफ़ी मज़ेदार होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप बस ही बस दिखाते हो, रोड ही रोड दिखाते हो, अपनी शक्ल ही दिखाते हो, कुछ दूसरा कुछ दिखाया करो, तो बस अगला व्लॉग वही होगा। इसके लिए मैंने होटल भी महंगा ले लिया कि चलो आपको कुछ अच्छा ही दिखाएंगे, अभी जाके बार्गेन भी करना है वैसे। भाई साहब लोग मेरे को ही देख रहे हैं बस।
एंड एनीवेज अभी जाके मेरे को अपना वीडियो अपलोड करना है. अपलोड करना मतलब अपलोडेड है, बस टाइटल थंबनेल बनाना है एंड लाइव करना है. एंड आज रात भर मेरे को एक और नया वीडियो बनाना है क्योंकि इसके बाद जो है टाइम नहीं मिलेगा. और लोग ऑलरेडी कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो नहीं आ रही, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए. तो घूमना भी पड़ता है, वीडियो बनाना भी पड़ता है और वीडियो डालना भी पड़ता है. ये है एक ट्रैवल व्लॉगर की ज़िंदगी. तो एनीवेज इसलिए मैं चलता हूँ अपने होटल. मिलते हैं अगले व्लॉग में. तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें. तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ.